बीजेपी प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी के आदेश पर चित्तौड़ से चुनाव लड़ने के लिए आया हूं, पार्टी के आदेश पर वापस जयपुर लौट सकता हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी का फैसला सबसे ऊपर है। इस दौरान राजवी ने बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज चंद्रभान सिंह आक्या के चुनावी मैदान में ताल ठोकने के सवालों पर कहा कि चंद्रभान सिंह आक्या भी चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से नहीं है। राजवी ने कहा कि मेरा मुकाबला कांग्रेस से होगा, ना कि निर्दलीय प्रत्याशी से। उनके खिलाफ एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो बाहरी है, जबकि वो 15 साल तक चित्तौड़गढ़ रह चुके हैं। राजवी ने अपने पुराने कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि चित्तौड़गढ़ में विधायक रहते हुए कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंने बताया है कि चित्तौड़गढ़ डेयरी कारखाना की स्थापना भी कराई है, और आगे कहते हैं कि वो राज्य चिकित्सा मंत्री रहते हुए कई उन्होंने कार्य करवाए हैं। आप तो अच्छी तरह से वाकिफ है पार्टी का निर्णय, इच्छा तो वही होती है जहाँ पर काम किया हो, और कन्वीनियंट सीट पे शहरी सीट में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ता, और माननीय भैरव सिंह जी की इच्छा से ही मैंने वहां पे शिफ्ट किया था, और पार्टी की इच्छा से यहाँ पे मेरे को चुनाव लड़ाने का उपयुक्त तो समझा। निर्णय पार्टी का है, मेरा नहीं।